सादुलपुर की एमएलए कृष्णा पूनिया के खिलाफ मंगलवार को जमानती वारंट जारी किया गया है। विधायक पूनिया पर बीकानेर संभाग के राजगढ़ थाने के तत्कालीन इंचार्ज विष्णुदत्त विश्नोई को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने पूनिया पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। जोधपुर की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले का फिर से संज्ञान लेने का निर्देश दिया है। इस मामले में कृष्णा पूनिया का कहना है कि वारंट मिलने के बाद वो आगे का कदम उठाएंगी। 23 मई 2020 को राजगढ़ के तत्कालीन थानाधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई ने सुसाइड कर लिया था। विष्णुदत्त के भाई संदीप विश्नोई ने राजगढ़ विधायक व कांग्रेस नेता कृष्णा पूनिया पर परेशान करने का आरोप लगाया था। विष्णुदत्त के सुसाइड का जिम्मेदार कृष्णा पूनिया को बताते हुए संदीप ने एफआईआर दर्ज कराई थी। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, यही कहना चाहूँगी कि सीबीआई ने 3 बार क्लोजर रिपोर्ट दे दी उस पर, और अब ये तो कोर्ट का मामला है, उसमें हम आगे देखते हैं कि हमारे क्या राइट्स हैं, लेकिन क्योंकि कोर्ट कोर्ट है तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। क्या आपको वारंट मिल चुका है? नहीं नहीं, आपके माध्यम से मुझे इसकी जानकारी मिली है। किस तरह का जवाब, क्या कहना चाहिए? मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि आपको पहले भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था? नहीं बुलाया गया था, वो मेरे घर पे आए थे, मेरे को कहीं नहीं बुलाया गया था, एक दफा मुझसे पूछताछ हुई। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।